जय सियाराम मेरे सारे भाइयों को। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं YouTube पे वापस आया हूँ और मैंने चैनल पे आज सोचा है कई दिनों से ऐसे कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके बारे में मेरे को बात करने की इच्छा थी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इच्छा थी। जो भी राजवीर और रजत दलाल भैया के राजवीर भैया और रजत दलाल भैया के बीच में जो चल रही है, क्योंकि मेरे से तो दोनों ही बड़े हैं इसलिए भैया बोलना ज़रूरी है दोनों को ही। और जो भी इस कंट्रोवर्सी का जो एंगल बनाया है, जो भी बीच में लेके आए हैं जाट समाज को, उधर से वो राजपूत समाज को, मैं खुद भाई राजपूत समाज का हूँ तो मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं राजवीर को सही बताऊँगा, राजवीर भैया को सही बताऊँगा और रजत दलाल भैया को सही बताऊँगा। बात ऐसी है कि मेरे को आज 1.5 साल हो गए यूट्यूब पर, ठीक है, तो मेरे अभी तक सब्सक्राइबर है 436 या 435 के आसपास। और इन दोनों भाइयों के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे मेरे से बड़े लगा लो चाहे मेरे से छोटे लगा लो, जो भी इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से जो भी ये फाइट देख रहे हैं, इनमें आपका तो कोई 1% भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने हर तरीके का कॉन्टेंट डाल के देख लिया, कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, या तो मेरा कंटेंट बढ़िया नहीं होगा, या मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी, या फिर कोई दूसरा रीज़न होगा। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये है फिटनेस क्रिएटर। क्या है फिटनेस क्रिएटर? जिस भाई को समझ में नहीं आई उसको मैं बता दूं, फिटनेस क्रिएटर क्या होता है, जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड और जो फिटनेस की जो लाइफस्टाइल जीते हैं वो, उसके बारे में कंटेंट डालना, ठीक है। ये है राजवीर भाई साहब की आईडी, एक बार आप वापस से देख लो, ठीक है। मैं जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब मैंने राजवीर भाई को देखा था, इनके फॉलोवर्स देखे थे और मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 2020 से, अभी की बात नहीं है। और रजत दलाल भैया की बात रही तो उनको मैं अभी दो या फिर मुश्किल से उनकी जो अभी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी सिंगा के साथ में, मैं उस टाइम से जान रहा हूँ। तो अब इन दोनों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये दोनों ही बड़े हैं मेरे से और दोनों ही अपने समझदार हैं मेरे से और दोनों की ही उम्र ज़्यादा खाई हुई है मेरे से। मैं बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, जो भी मेरे छोटे भाई हैं। और एक मैं मेरी दुखद घटना सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने 1.5 साल से मेरी मेहनत करी है उसके क्या परिणाम मिले हैं मेरे को। परिणाम इक्वल्स टू रिजल्ट, किसी को समझ में नहीं आया परिणाम क्या होता है तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाता हूँ कि राजवीर भाई के फॉलोअर्स थे 800 के, ठीक है, 800 के, 3 से 4 दिन में कहाँ पे आए हैं फॉलोअर्स एक बार आप देख सकते हो, 1.3 मिलियन। जिसको समझ में नहीं है कितने बड़े हैं तो मैं बताता हूँ, 2 + 3 टोटल 5 लाख फॉलोअर बढ़े हैं, कितने दिन में, सिर्फ 3 से 4 दिन में। ये 4 दिन की कंट्रोवर्सी चली है और मैं आज पूरे दिन से भाई कुछ भी लगा लो, देखो मिर्ची मसाला तो सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए था टाइम पास के लिए। मैंने राजवीर भैया की और रजत भैया की दोनों की वीडियोस देखी और भाई मज़ा भी आ रहा था, ऐसी बात नहीं मज़ा नहीं आ रहा, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, हम देख रहे हैं, वो उधर से 10 जने 5-10 जने वीडियो बना रहे हैं, इधर से 10 जने वीडियो बना रहे हैं। पर जहाँ भी ये बात गई है कम्युनिटी एंगल को लेकर के, ये जो बात गई है दोनों के बीच में बात हुई थी, दोनों भाई भैया, वापस से मैं क्लियर करता हूँ, मेरे से दोनों बड़े हैं तो मैं आपको वापस से बताता हूँ, दोनों मेरे भैया ही लगते हैं, मतलब इज्जत देने वाली बात, परिवार में मेरे दोनों भी कुछ भी नहीं लगते, उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। दोनों ने बढ़िया तो पैसे कमाए हैं इन दिनों में, ठीक है, अभी 1.3 मिलियन एक राजवीर भैया के हो गए और मैं आपको रजत भैया के भी फॉलोअर्स दिखाता हूँ कितने हो गए। और मैंने जब कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी देखनी है तब के मैं बताता हूँ आपको, 1.2 मिलियन, एक बार आप दिख रहा है 1.2 मिलियन। जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तब भैया के थे 920 के कुछ, और अब देख सकते हो आप सिर्फ 4 दिन में। और इनकी जो रील्स ये जो डाल रहे हैं उन पे मैं आपको व्यू बताऊंगा, तो अब मैं तो चलो बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं इनके सामने भाई, इनके जो व्यू आ रहे हैं उस हिसाब से। अभी जो लेटेस्ट वीडियो जो डली है रजत भैया ने जो सुबह डाली थी 6 घंटे पहले, उस पर 5 मिलियन व्यू, ठीक है।
और जो उससे पहले डाली थी जो शायद रात को डाली थी उस पे थे 3.4 मिलियन व्यू। उससे पहले जो राजवीर भैया की डाली थी बलात्कारी राजवीर ऐसे कुछ करके, जो कि एकदम गलत है, किसी भी अपने कंट्रोवर्सी को जीतने के लिए किसी दूसरे पे फेक रेप केस डालना बहुत, मतलब उस चीज़ को प्रूफ करना। पहली चीज़ तो रजत भैया के पास ना तो कोई हाई कोर्ट की जज की डिग्री ले रखी है भैया ने, ना कोई हाई कोर्ट में वो बैठे हैं और ना ही वो न्याय देने वाले कुछ हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को साबित नहीं कर सकते, ना ही वो ये बोल सकते कि राजवीर भैया क्या है क्या नहीं। इंडिया में लगभग रोज के चाहे 1,000 केस आए चाहे 1,500 केस आए, मैं पूरा प्रॉपर एक चिट्ठा किट्ठा बना के ना मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ ना कुछ और, मैं ऑन एन एवरेज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 1,000 केस आ रहे हैं उसमें से 95% फेक रेप केस होते हैं। जैसे किसी भी, मान लो अब कभी थोड़ा टाइम बाद में मैं भी कुछ बताऊंगा आपको इस बारे से रिलेटेड, मतलब मेरे साथ वालों के साथ ही कुछ हुआ था उस चीज़ के बारे में, मैं भी कभी आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि कैसे चीज़ें कैसे बदल जाती है और क्या से क्या हो जाता है। पहली चीज़ तो जो राजवीर भैया पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, राजवीर भैया है फिटनेस क्रिएटर और उनके स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ 500 के, मतलब आधी पेटी, सीधी भाषा में बताऊँ आधी पेटी व्यू, पेटी तो कैश हो गया, वैसे पैसों में बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे बताऊँ तो 500 के व्यू मतलब 50,000 व्यू, नहीं हाँ 50,000 व्यू ठीक है, एक सेकेंड, 5 लाख व्यू, क्योंकि मेरे कभी इतने गए नहीं ना तो मेरे को ध्यान नहीं है भाई, छोटा क्रिएटर कभी, लास्ट वीडियो मेरी एक वीडियो है जिसपे 7,000 मतलब 7.1 के ऐसा सा कुछ है टारगेट, वो हिट है, उसके ऊपर कभी मेरी वीडियो गई नहीं और मेरे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स भी इतने ही है। पहली चीज़ तो सब्सक्राइबर्स बोल दो चाहे उनको डेड सब्सक्राइबर बोल दो, क्योंकि 6 महीने से तो मैंने कुछ कंटेंट डाला भी नहीं है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मोटिव खाली ये एक ही था कि मेरे दो बड़े भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, पर उस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं वो देखी जाती है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, ये आपस में बैठ के लड़े गुथे उसका क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश भी तो नहीं आती है, होता ना कॉम्प्रो करें ये सब, वो बैठ के आपस में बैठ के करें, दो भाई की लड़ाई है दो के बीच में करें, ठीक है। किसी ने भी लकड़ी करी हो चल आके, चाहे कोई कहीं गया हो मारने, किसी ने कुछ भी किया हो, चाहे राजवीर भैया की गलती हो चाहे रजत भैया की गलती हो, कुछ मैटर नहीं करता उस चीज़ में, मैटर सिर्फ इतनी सी चीज़ करती है कि कम्युनिटी एंगल नहीं डाला था बीच में। मेरे जाट भाई हैं बहुत है, सबसे यारी है अपनी, जाट से राजपूत से सबसे अपनी यारी, राजपूत भाई है अपना, बाणिया भाई है, पंडित भाई है सब, ये जो है 36 बिरादरी की अगर जो बात करते हैं, 36 बिरादरी किसके, अगर मैं सीधी सी बात बताऊँ तो किसके अंडर में आती है, तो ना तो किसी सरकार के अंडर में आती, ना किसी कानून के अंडर में आती, ना ही कोई जज बैठा है उसका, वो आती है अपने हिंदू धर्म के अंदर, किस में, सनातन धर्म हिंदू धर्म एक ही चीज़ है, समझे नहीं समझे। तो वो 36 बिरादरी जब तक एक साथ नहीं रहेगी तो हिंदू धर्म भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, ये बात मैं छोटी सी क्लियर करना चाहता था। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं उनका सिर्फ इतना काम है कि कंट्रोवर्सी देखें, उससे कुछ मोटिवेशन ना लें और ना ही आपस में जाट राजपूत करें और ना ही कहीं गुथने जाएं। जिसने लड़ाई करी होगी उसको तो ये पता होगा कि कोई ना तो ऐसे इंस्टाग्राम उठा के कैमरा चालू करके लाइव आके वीडियो बनाता, फट्टे पड़ने होते हैं लठ पड़ने होते हैं, तो 5 उधर से आके कब एक को मार गए और 5 इधर से जाके कब उस एक को मार गए और कब उन 5 को मार गए कुछ पता नहीं चलता। गांव में हम भी रहे हैं, हमने भी लड़ाई करी है, हमने भी देखा है, इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख चुके हैं कि ये जो चीज़ चल रही है ना ये करते हैं क्रिंज, जो ये चीज़ चल रही है कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से जो मैं बोलना चाहता हूँ जो भी बात है ये सिर्फ एक ही चीज़ को लेके कि फॉलोवर्स आ जाए, और इनमें इन दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, राजवीर भैया का भी प्रॉफिट हो रहा है और रजत भैया का भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें बस एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जिसके एग्ज़ाम है वो पढ़ें और जिसके नहीं है वो सिर्फ मज़े लें, इससे इंस्पायर ना हो, और जो
छोटे भाई हैं जिनके अभी अभी एग्जाम खत्म हुए, उनको तो 3 महीने की पूरी छूट है, वो पूरे मजे लें पर इंस्पायर ना हो उस चीज से। और तीसरी चीज ये, मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, कंटिन्यूटी दिखा दी मैंने, कंसिस्टेंसी दिखा दी, सब कुछ करके देख लिया, मेरे 400 कभी 34 हो जाते हैं सब्सक्राइबर, 434 जिसको समझ में नहीं आया मैं इंग्लिश में बता दूं, 434 जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं इंग्लिश में बता दूं, 434 सब्सक्राइबर से कभी ऊपर नहीं गए, और कभी जाते हैं तो 434 चले जाते हैं और 435 चले जाते हैं या फिर 430 आ जाते हैं। मैं 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रगल ही किया है एक हिसाब से, क्योंकि घर वालों से इस चीज़ के, हाँ घर वालों ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मैं पढ़ाई में भी बढ़िया हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा हुई, पढ़ाई में ऑन एंड एवरेज हूँ, ठीक ठाक हूँ, ना फेल होता ना कुछ ज़्यादा बढ़िया नंबर आते, बिलो एवरेज जिसको हमारी भाषा में अगर समझ में आए तो 60-62% वाला बंदा, ठीक है ये हूँ, आर्ट से बिलोंग करता हूँ, फाइनल ईयर क्लियर हो चुका है, डिग्री है मेरे पास 75% की, सुबोध राजस्थान यूनिवर्सिटी से जयपुर, ठीक है पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ और बढ़िया अब अपने धंधे पे लगा हूँ, ठीक पैसा कमाना जिसको बोलते हैं। और YouTube जो था उसमें मैंने 1.5 साल मेहनत करी है मेरी, मेरे कभी आज तक 7,000 व्यू से कभी ऊपर नहीं गए, और ये दोनों भाई सिर्फ 4 दिन में कभी कोई 4 लाख फॉलोवर बढ़ा रहा है, कभी कोई 5 लाख फॉलोवर बढ़ा रहा है, इनके इंस्टाग्राम पे अगर मैं आपको व्यू बताऊं इन 5-10 दिन के मिला के, तो आराम से नहीं करते, दोनों ने खूब पैसे कमाए हैं, खूब इंसान ने रेवेन्यू दिया है इनको भी, 5 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन व्यू तक भी आए हैं इनके इंस्टाग्राम पे, और जो इनकी जो पहले की रील थी उन पे आते थे 200 के 250 के 300 के, हद मार के किसी ना किसी वीडियो में 2-3 मिलियन चले जाते होंगे, बहुत मुश्किल से वीडियो नहीं रील, जो इंस्टाग्रामर जो ये फाइट कर रहे हैं ना आपस में, लड़ नहीं रहे, कभी वो उधर से वीडियो बना के भेज रहे हैं, कभी इधर रजत दलाल भैया वीडियो बना के भेज रहे हैं। एक छोटी सी बात है, छोटा सा मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे को 5-10 लोग 15 लोग 20 लोग भी देखते हैं, तो उनसे सिर्फ छोटी सी ये चीज़ है, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और मेरी बात थोड़ी आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का भविष्य या फ्यूचर इफेक्ट हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है, हिंदी इंग्लिश में मैंने समझा दी, फ्यूचर इफेक्ट हुआ है इस चीज़ से, और कहीं ना कहीं नकारात्मक तौर पे ही जाएगा, क्योंकि 17-18 साल के लौंडे इनको चैट पे वो कमेंट्स पे डाल रहे हैं, ये वो इसने ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, कम्युनिटी एंगल बना के आपस में लड़ रहे हैं, जो 36 बिरादरी का भाईचारा आप जो बोल रहे हैं कि मेरी किसी भी 36 बिरादरी से, किसी भी राजपूत से, किसी भी चाट से, किसी भी पंडित से, किसी भी यादव से, किसी भी गुजर से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं सिर्फ बोलने में रह गई है इन दिनों में, क्योंकि अगर आप अपने खुद के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें दिख जाएगी। और मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो रजत भैया को और राजवीर भैया को, तो मैं मेरे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और रही बात 36 बिरादरी की, तो मैंने किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे माफ़ी मांग सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनके बारे में मैंने बात करी है, इनके बारे में मैंने कुछ बोला है, पर इनको कुछ बुरा लगा उसके बारे में मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर इनको कुछ बुरा लगा। और रही बात मेरी, तो 1.5 साल में कर रहा हूँ मैंने पूरी मेहनत, मोटो व्लॉगिंग का रिव्यू व्लॉग सब कुछ करके देख लिया, टाइप ऑफ ऑलराउंडर था मैं इस चीज़ में, पर मेरे कभी भी ना तो सब्सक्राइबर बढ़े, या तो मेरा कंटेंट बेकार होगा, या मेरी शक्ल पसंद नहीं आई होगी, या फिर मेरा बोलने का तरीका पसंद नहीं आया होगा किसी को भी, पर फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी को फेमस होना है तो वो कॉन्ट्रोवर्सी करके फेमस हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा पर आप समझ गए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं 4 महीने पहले रजत भैया का नाम भी नहीं सुना था मैंने, 4 महीने से पहले मैंने रजत भैया का, और मैं आपसे भी ये बात पूछता हूँ, अगर आपने रजत भैया का कहीं नाम सुना हो तो 4 महीने पहले, 4 महीने में इस बंदे ने जितनी ग्रोथ करी है, और कहीं ना कहीं देखो दूसरों की किलसी भी है इससे, किलसी मतलब जली भी है,
क्योंकि नया बंदा है, अचानक से इतना ग्रो कर गया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, दो दो आईडी पे 1-1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो कहीं ना कहीं इससे भी गिल्टी है लोगों की। ये मैं राजवीर भैया के लिए नहीं बोल रहा और अदर कंटेंट क्रिएटर, पर इनका जो कंटेंट है वो सिर्फ मैंने कंट्रोवर्सी का ही देखा है। और जो मैंने एक वीडियो इस कंट्रोवर्सी में जो सबसे बढ़िया देखी थी वो इनकी बैटिंग थी, वो बहुत ही बढ़िया थी। जितने भी इन्होंने 55-57 बॉल में 134 रन मार रखे थे, बहुत ही बढ़िया था वो। बाकी इन दोनों भैयाओं को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मेरे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी, और आगे से और कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा अगर मेरा मन करेगा तो, और अगर आप बोलोगे तो कि इस बारे में मेरा क्या ख्याल है, क्योंकि मेरे को इतने जने देखते नहीं, अगर देखेंगे तो मैं ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में वीडियो बना दूँगा। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मज़े करो, आराम से रहो, किसी भी गलत चीज़ को देख के इंस्पायर मत हो, चाहे वो लड़ाई हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपने आराम से पढ़ो लिखो, धंधा कर रहे हो पैसे कमाओ, जॉब कर रहे हो जॉब में पैसे कमाओ, जॉब पे फोकस रखो पैसे कमाओ, क्योंकि ना तो रजत भैया आपके फ्यूचर में को बचाने आएंगे ना राजवीर भैया आएंगे, तो अपना पैसे कमाओ, मज़े करो, और जो चल रहा है उसको सिर्फ मज़े के तौर पे ही लो, उससे आगे कुछ नहीं। और मेरी कोई भी बात अगर आपको आगे बढ़ानी है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइबर्स तो देखो मैं बोलूँगा नहीं कि मेरे को कोई सब्सक्राइब करे। सो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मज़े से रहें।